भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हुए दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में देश भर में मकर संक्रांति, पोंगल, खिचड़ी आदि अलग अलग पर्वों को उनसे जुड़ी परंपराओं के साथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ लोग पवित्र नदियों में स्नान करके दान कर लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो वहीं वर्षों से चली आ रही पतंगबाजी की परंपरा का भी लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर कोई मांझा थाम कर पतंगे उड़ा रहा है। वही पतंगबाजी के इस क्रेज से राजनीति के धुरंधर भी अछूते नहीं है, जिसकी वानगी हाल ही में देखने को मिली गुजरात में, जहां उत्तरायण के अवसर पर आयोजित पतंगोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हाथ में पतंग की डोर थामे मांझे से पेंच लड़ाते दिखे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह उत्तरायण उत्सव के मौके पर पहले अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ पतंगबाजी कर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की पतंगबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह अमित शाह हाथ में पतंग की डोर पकड़े बड़े ही मंझे हुए खिलाड़ी की तरह एकदम सटीकता से पेंच लड़ा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो सियासत के आसमान में अपनी जबरदस्त कूटनीतिक रणनीति के पेंच से अपने विरोधी पार्टियों की पतंग काट कर चौंका देते हैं। वहीं इस वीडियो के जरिए गृह मंत्री अमित शाह का एक और दिलचस्प राजनीतिक पहलू भी डिकोड होता दिख रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एकदम अपनी गजब की पतंगबाजी की कला की तरह ही विपक्षियों की डोर काटने और अपनी कुशल कूटनीति के जरिए विरोधियों को पटखनी देने में भी पारंगत है। गौरतलब है कि अमित शाह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का अहम हिस्सा है और पीएम मोदी के बेहद खास भी। इस नाते पीएम मोदी के विजन और मिशन को बढ़ावा देते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाने के साथ ही वो अपनी बेजोड़ राजनीतिक समझ के चलते बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं। अमित शाह की गिनती भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं के तौर पर होती है। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष और मेहनत की है। राजनीति की बारीकियों की समझ और सरकार बनाने में महारत हासिल करने वाले अमित शाह को बीजेपी का कौटिल्य कहा जाता है। उन्होंने अपने बूते कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई है। पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ही बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बंपर जीत मिली थी। वही 1990 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अमित शाह की बीजेपी के प्रति निष्ठा का ही परिणाम है कि आज बीजेपी के समकक्ष कोई और विरोधी पार्टी की पतंग टिकी ही नहीं सकती। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर पीएम मोदी के साथ मिलकर अमित शाह कुछ इसी तरह विपक्ष की डोर को अपनी रणनीति के पेश से काटते दिख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।